बड़ा ही मन। इस ईद के दिन हमारा जो दीन है वो मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ हमारा दीन। ये दिन हम सबके लिए सबसे बड़ा दिन है और हमें बिल्कुल शाना बशाना इसको मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, हर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। ये एक हमारे यहाँ रिवायत चल रही है कि हम ईद फितर को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाते हैं, ईद जुहा को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाते हैं, तो हमें ईद गदीर को भी वैसे ही जोश और खरोश से मनाना चाहिए और उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे तक ले जाना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर हमारा फिर ईद के प्रोग्राम हो, हमारे और भी प्रोग्राम्स हो, सब आप लोग ज्वाइन करें उसे। आप लोगों को कुछ ना सही थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ आपको मिले या ना मिले सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ से कुछ कम लेके नहीं जाओगे, आप ज़्यादा ही लेके जाओगे। बेशक मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख साहब का, शेख साहब ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जिस पे हमें अमल करना है, हमें इसको फॉलो करना है। उन्होंने बताया कि आप दूर से आते हो, आप इतनी जगह दूर दराज इलाके से आके आप यहाँ पढ़ने आते हो, इल्म हासिल करने आते हो। पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अना मदीनतुल इल्म वाली अनबाबुहा, कि मैं अगर इल्म का मदीना हूँ तो अली दरवाजा है उस शहर का। तो इससे हमें क्या लगता है, ये जो इल्म है उससे ही आप हासिल कर सकते हो इमामत को, रिसालत को, आप उनके नजदीक पहुंच सकते हो, आप उनको समझ सकते हो जब आप इल्म से वाबस्ता रहोगे, आप इल्म से जुड़े रहोगे। तो यहाँ पे आपको एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप कर रखा है जो विजयनगर पे रहते हैं, आस पास जितने स्टूडेंट्स रहते हैं आप वहाँ यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो। 24/7 आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, कभी भी आप यहाँ पे आके बहुत अच्छे से बैठ सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा टेबल हमारे यहाँ अवेलेबल है, सारे एक्सेसरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है, स्टूडेंट्स आके इन अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे है तो बस है कि हम इनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इसराब करना भी गुनाह है, अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गुनाह ही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से इंतजार करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, जितना हो सके फ़ायदा उठाए, क्लासेस का फ़ायदा उठाए, हमारे लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाए, हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका फ़ायदा उठाए और सब में पार्टिसिपेटिव वो नेचर आपका है उसको एम्फेसाइज करें, उसको हमेशा आगे की तरफ लाए। जब आप पार्टिसिपेटिव नेचर नहीं रखते हो आप, फिर आपका कुछ नहीं बनेगा। एक स्टूडेंट का, एक सीखने वाले का, एक लर्नर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव उसका नेचर होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे आप कॉलेज में देखते हो, स्कूल में देखते हो, आउटसाइड स्कूल कम्युनिटी में देखते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब में अगर आप पार्टिसिपेटिव आप बिहेवियर रखोगे, एक पार्टिसिपेटिव माइंडसेट रखोगे, ये चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, ना कि सिर्फ आज के अभी के टाइम में लेकिन आपके फ्यूचर के टाइम में भी। जब आप यहाँ से निकल के कई और सर्व करोगे, कई और आप प्रेजेंट करोगे अपने आप को, अपने कौम को, अपनी कम्युनिटी को, तो मेरी इल्तिजा है आप सबसे कि आप थोड़ा पार्टिसिपेटिव नेचर रखें, पार्टिसिपेटिव आप थोड़ा एक्टिव रहे चीज़ों में, चाहे अक्सर का हो, चाहे अपने कॉलेज में हो, चाहे आप कॉलेज से बाहर अपने सोशल लाइफ में हो, आप थोड़े पार्टिसिपेटिव रहे, एक्टिव रहे, कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करें किसी भी चीज़ को लेकर। हम अली वाले, हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम हिचकिचाने वाले नहीं हैं। तो ये जो अली वाला नेचर है उसको हमेशा एम्फसाइज करें, हमेशा उसको आगे की तरफ रखें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सबको ईद का, और ईद के साथ साथ अक्सर की तरफ से पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मेरे नाम से गया है। तो ये एक महीने कबल पहले से चल रहा था इस पिटीशन का, लेकिन ये अभी फाइल हुआ और इसी दौरान मैं प्रेसिडेंट भी बना, तो मैं बिल्कुल इसको अक्सर के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। हमने पिटीशन 370 और बाइफ्यूरिकेशन ऑफ स्टेट और एब्रोगेशन ऑफ 35 एंड 370 को लेके अक्सर के तरफ से एज ए प्रेसिडेंट मेरा नाम गया है को पिटिशनर शाह फैजल वर्सेज अदर एंड स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमने ये पिटीशन फाइल किया, हम चुप नहीं रहे, हमारे लीडर करगिल में डेमोक्रेटिकली इसको अपोज कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको लीगली अपोज कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीगली कर रहे, चाहे हमारे लीडर्स वहाँ डेमोक्रेटिकली करें। तो मैं आप सभी लोगों को इसका भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम पीछे नहीं रहे, हम कौम के
तकलीफों को लेके पीछे नहीं रहे, हम अपने हक को लेके पीछे नहीं रहे, हम अपने हक के लिए ऐसे ही जद्दोजहद करेंगे जैसे एक अली वाला करता है, जैसे एक हुसैनी करता है अपने हक के लिए जद्दोजहद, वैसे ही हम जद्दोजहद करेंगे अपने हक के लिए। और मैं सब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इस लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आपको बहुत कम मिलेगी, जहाँ पे आपको फ्री में लाइब्रेरी दिया जा रहा है, फ्री में आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल, ये कम्युनिटी हॉल ही हमारा कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप सीनियर्स को बुला सकते हैं, आपके यू नो स्टडीज से रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज आता हो आपको, उन पे आप काम कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाए और रिस्ट्रिक्टेड ना रखें अपने आपको किसी भी चीज को लेके, कभी अपने आपको लैक ऑफ करेज ना फील करें, हमेशा अपने आपको इंकरेज करते रहे, हमेशा अपने आपको बूस्ट करते, मोरल बूस्ट रखें अपना हमेशा, और पार्टिसिपेटिव नेचर हम तो हमेशा रखें, क्योंकि ये चीज आपको आगे अभी आपको नहीं लगेगा कि ठीक है ये एक लड़का है बोल रहा है कुछ भी यहाँ पे खड़ा होके, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा आप 5 साल 6 साल अभी आप पार्टिसिपेटिव नेचर पर आपको आगे जाकर पता चलेगा कि कितना महत्व होता है इसका, कितना इम्पोर्टेंस होता है, कितना कम्युनिटी बिल्डिंग में ये काम आता है आपको। तो आज हम यहाँ पे एज एन एम्बेसडर, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था प्रेसिडेंशियल डिबेट में कि हम एज एन एम्बेसडर है करगिल का, जहाँ पे हम अपने रीजन का लद्दाख का एज एन एम्बेसडर यहाँ पे आते हैं, हमारे एक एक एक्टिविटी से हमारे यहाँ का जगह को हम लोग जज करते हैं, हमारे लोगों को जज करते हैं, हमारे रिलीजन को जज करते हैं। तो हमें एक क्लासिक